आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kemasnews.com। आइए देखते हैं। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस चौकी अंबारी के अंतर्गत एक मामला मारपीट का आया है। मारपीट में काफ़ी चोटें आई हैं। इस मामले को लेकर जब फूलपुर कोतवाली पीड़ित पहुंचा तो वहां पर पता चला कि SHO फूलपुर अभी सो रहे हैं। पीड़ित ने CO फूलपुर को अपनी व्यथा के बारे में बताया, जिसके तुरंत बाद CO ने मामले को चौकी अंबारी पर स्थानांतरित कर दिया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सोनू कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा आपका? क्या मैटर है बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या मैटर हुआ था बताइए। सर, हमारे लड़के को मार दिए दक्षिण गांव के लोग। क्या नाम है उनका, जानते हैं आप? अनुराग पुत्र किसान। अच्छा, यादव हैं जी। आपने दरखास्त दिया कहीं पे? हाँ, दरखास्त लेके गए थे थाने। किस थाने पे? फूलपुर कोतवाली। हाँ, तो बताइए क्या हुआ वहाँ? 5 घंटे तक बैठ के कह रहे थे कि CO साहब सो रहे हैं। कोतवाल साहब सो रहे थे ना? अच्छा, आपकी दरखास्त भी नहीं लिया गया? नहीं, 5 घंटे तक वेट किया। उसके बाद आपने क्या किया? दूसरे दिन को CO साहब के यहाँ गए। हाँ, CO साहब क्या बोले? CO साहब दरखास्त लिए और दरखास्त के लिख के तुरंत आर्डर किए। कहाँ पे आर्डर किए? चौकी पर। कौन सी चौकी? अंबारी। अच्छा, वहाँ से पुलिस आई कि नहीं एक बार भी? नहीं, पुलिस अभी तक नहीं आई उनके यहाँ। क्या नाम है बाबू? कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। घटना का स्थल पे उस समय आप थे? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? रसूलपुर। क्या मामला हुआ था बताइए। हम लोग जा रहे थे खाद लेने, यहाँ से गए तो कह रहा थे मुझे लैटरिन लगी है, तो हम लोग कहे चलो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बहुत औरतें थी। फिर वहाँ पर गए और उनके खेत के पास वहाँ भी औरतें थी। फिर वहीं पर पोखरा था, हम लोग कहें वहाँ पर चले तो उनके खेत में थोड़ा खाली था, हम वहीं ये बैठा है वहीं पर, तो आए खाद लेकर डायरेक्ट। जिसको मारे उसका क्या नाम है? आकाश। अच्छा, उसे गाली देने लगे और ये बोला खाली क्यों गाली दे रहे हो, तो तब उनका बेटा इसको लगा मारने, तो हम उनको ठेले और वो भी लगे उनको मारने। फिर फोन कहे 3-4 लोग और आ गए, कोई लाठी लेकर आ रहा, कोई हसुए लेकर आ रहा, बेहोश होने के बाद ही मारे। तो सिर्फ अच्छा इतना जबर मारे हैं कि उनको घाव लगने के बावजूद भी उन लोग मार रहे थे, लड़का बेहोश था, और अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ आप लोगों का?